मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का कलश आज केंद्र मंत्री हरदीप पुर और पंजाब प्रधान बीजेपी श्वेत मलिक लेकर पहुंचे। अस्थियों को व्यास में प्रवाहित करने के लिए निकले इस मौके पर श्वेत मलिक ने कहा है कि देश के सपूत युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कलश अमृतसर पहुंचा है। उनका कहना है कि बचपन से ही उन्हें देखते वह यहां तक पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनकी अंतिम यात्रा लेकर वह अमृतसर पहुंचे हैं। भारत माता देश महान समूत युग पुरुष जो विद्वान सिगे विलक्षण प्रतिभा ओजस्वी यशस्वी मैं समझना हूं सारे भारत माता दे महान सपूत युग पुरुष विलक्षण प्रतिभा ओजस्वी यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पावन स्वरूप है अस्थि कलश आज मैं भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा कि ओ व्यक्तित्व जिन्हां नूं देख के काम करदे जिन्हां दा जीवन देख के जिन्हां दी सैक्रीफाइसेस देख के अज असी बचपन तो अज इत्थों तक पहुंचे हां। अज उन्हां दी इस अंतिम यात्रा च अस्थि कलश लै के गुरु नगरी श्री रामदास जी दी वसाई हुई श्री अमृतसर साहब असी पहुंचे हां। मेरे नाल आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी जिहड़े शहरी विकास मंत्री ने वो भी पधारे ने, उन्हां दे नाल श्री विजय सापला जी और श्री तरुण चुग जी और असी सब ये अस्थि कलश माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सानू दिता गया और इस अस्थि कलश ते हुण असी ब्यास जो दरिया है उत्थे राधा स्वामी सत्संग डेरे प्रवाहित करांगे और रस्ते जिहड़े है कार्यकर्तावां दा विशाल जन समूह है ये श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि इस अस्थि कलश नूं सब देंगे और इस तो बाद एक अस्थि कलश पठानकोट रावी दरिया भी प्रवाहित किया जाएगा और एक अस्थि कलश श्री संजय टंडन जो चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने वो कीरतपुर साहब विखे सतलुज प्रवाहित करेंगे। मैं तो केवल अज मेरे को शब्द नहीं है, मैं यही कह सकना कि जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा।